dreams come true. शिमला वेकेशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? Well, let me guess. वही कॉमन सी जगह है ना, माल रोड, रिज, कुफरी, नालदेरा, बस यही कॉमन नेम ना। We wish we could tell you how Shimla is way more than just a tourist destination. जब आप हिमाचल में होते हैं ना, तो हर एक पल नया एक्सपीरियंस लगता है। Every day is a vacation. और आज हम ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड शिमला को एक्सप्लोर करने निकल पड़े हैं। We are going to Meenabagh Homes, Ratnagiri, to experience Himachal's culture, cuisine, people like never before. And we are taking you along. जब आप पहाड़ों में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हर मोड़ पर कुछ खूबसूरत मिल ही जाता है। यहाँ की आबो हवा में ना जाने क्या बात है, but you almost get soaked in its abundant beauty. Travel in the mountains is all about stories, snacking, soulful music, and of course, full of surprises. 20 kilometers from Shimla, Camp Nomad Fagu. एक परफेक्ट प्लेस है हॉल्ट के लिए, गरम चाय पीने के लिए, अगर आप जा रहे हैं नारकंडा की तरफ। 20 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला टाउन वी रीच्ड फागु इन नो टाइम। फागु इज अ स्मॉल हैमलेट 2450 मीटर्स अबव सी लेवल, और यहाँ के सीनिक लोकेशन के पीछों पीच है ये कैंपिंग साइट, कैंप नोमैड। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, और अगर आप शिमला के वेदर से वाकिफ हैं तो यहाँ कभी भी धूप और कभी भी छांव और कभी भी बारिश हो सकती है। Cheers to this beautiful valley. Cheers. We drove through the ribbon-like roads of Shimla and thickly forested jungles. ऐसा लगा जैसे it was a driveway into the gateways of heaven. रास्ते में हमें जगह जगह पर साइन बोर्ड्स देखने को मिले which said say no to plastic, plant more trees. ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है ऑन बिहाफ ऑफ Meenabagh Homes टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। रत्नारी, एक ऐसी जगह जो किसी जन्नत से कम महसूस नहीं होती। सबसे अच्छी बात ये है कि आफ्टर पार्किंग योर कार आप प्रॉपर्टी में पहुंचते हैं एप्पल ऑर्चर्ड्स के थ्रू। इट वॉज अर्ली जून, एप्पल्स अभी पूरी तरह से पके तो नहीं थे बट उनकी खुशबू पूरे ऑर्चर्ड्स में फैली हुई थी। ऑर्चर्ड में सबसे पहले हमें रिसीव करने आई Meenabagh की सबसे प्यारी मेंबर पेशवा, एंड शी एस्कॉर्टेड अस। पहाड़ी के टीले पे बिल्कुल डॉल हाउस की तरह दिख रहा था Meenabagh, अ लवली कॉटेज ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन सराउंडेड बाय लश ग्रीन ऑर्चर्ड्स। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत पहाड़ी टोपी से होता है। आप हिमाचल के किसी भी कोने में चले जाए, हर रीजन में आपको पहाड़ी टोपी का महत्व मिलेगा। Meenabagh में एंटर होते ही आपको हिमाचली आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना दिखता है। We saw the mud plastered walls, जिसे थज्जी दीवार भी बोला जाता है। Deodar wood, मिट्टी और पत्थर से बनी इन दीवारों की थिकनेस ऑलमोस्ट 24 इंचेस है, जो स्पेशली सर्दियों में हीट ट्रैप करने के लिए एंड समर्स में घर को ठंडा रखने के लिए परफेक्ट है। The place was aesthetically done in a typical हिमाचली way. यूं लगा कि हमारे ट्रेडिशनल और कल्चरल चीज़ों में कितनी सुंदरता छुपी है। हमने नोटिस किया कि घर के हर कोने में एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी से रिलेटेड एक मैसेज भी था। जल्द ही वी मेट संजय, द मैन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस एक्सोटिक प्लेस Meenabagh Homes। ही इज अ जर्नलिस्ट, अ फोटोग्राफर एंड एन इको टूरिज्म एंटरप्रेन्योर। सून वी वेंट टू चेक आउट आवर रूम्स, जहाँ एक तरफ पुराने किवाड़ और खिड़कियाँ थी तो दूसरी तरफ थी हाई एंड लक्जरीज़।
everything was rooted and yet so contemporary. शाम को हमने मीनाबाग के फेमस कुक विक्रम भैया के साथ डिनर भी प्रिपेयर किया। ये जंगल में मिलता है, फॉरेस्ट एरिया में। आज बहुत ही खास चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉरेस्ट से लाई गई ये सब्जी हम अभी ताज़ा फ्रेश बनेगी और इसको खाएंगे। ये बहुत एक खास चीज़ है, यहाँ पे रहते हुए हम लोकल कल्चर के साथ साथ लोकल सब्जियाँ और जो फॉरेज की गई सब्जियाँ स्पेशली वी गोना एक्सपीरियंस इट राइट हियर। हाउ गुड इज़ दैट महिमा? आप जहाँ भी जाए हमेशा वहाँ पर वहाँ की लोकल सब्जियाँ, वहाँ का लोकल कुजीन ट्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रू, इज़न्ट इट? ट्रू। सैटिस्फाइंग डिनर करने के बाद हम संजय के साथ बैठे कुछ गुफ्तगू करने। वी वांटेड टू नो व्हाट मेड हिम रिटर्न टू हिज रूट्स सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन एंड डू समथिंग ऑर्गेनिकली, यू नो, एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम एबल टू एक्सपेरिमेंट एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। Well, I love it here because everybody wants to be in the hills, isn't it? I mean, so I have a place here and why won't I love it? Yes, of course. And people who are coming to Meenabagh or who will come to Meenabagh, they are coming from that kind of space that I was in Delhi, and they will enjoy this beauty. So that was the idea, to start something and start something authentically, which is culturally Himachali. और जिसमें आर्किटेक्चर में वो झलक आए, डेकोर में झलक आए, आपकी जिस तरह से आपका इन्वायरमेंट पहले था, हमारा फार्म हाउस जैसे होते थे, फार्म हाउस तो ये है अब, लेकिन जैसे पहले लोग रहते थे। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स द बेस्ट वे टू लिव, बट द पॉइंट इज इफ यू कैन इंटीग्रेट ऑल दोस एलिमेंट्स। वक्त था आराम करने का, औरों का तो पता नहीं, बट हमारा गुड नाइट का कंसेप्ट है काउंटिंग स्टार्स एंड रीडिंग नेचर पोएट्री। आई फील हमें अब जल्दी सो जाना चाहिए बिकॉज कल का दिन बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है और हमें बहुत कुछ करने को है। Let's go, obviously. Day 2 started early. You know, when you are in the lap of nature, आपकी बॉडी क्लॉक नेचर के साथ इस तरह ट्यून इन हो जाती है कि आपको अलार्म क्लॉक्स या स्नूज बटन्स की जरूरत नहीं पड़ती। एंड स्पेशली इन मीनाबाग जहाँ मॉर्निंग अलार्म्स आर नन अदर देन फार्म के रूस्टर्स। सूरज की पहली किरण के साथ हमारी सुबह हुई गरम चाय की सिप और ब्रेथ टेकिंग माउंटेन व्यू के साथ। जय देवा। रत्नारी में आज बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल सनी डे है और क्योंकि हम पहाड़ों में हैं, वी थॉट लाइक व्हाई नॉट ड्रेस अप लाइक पहाड़ीज। किसी भी जगह को एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ के ट्रेडिशन में, वहाँ के रंग में ढलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम अपर हिमाचली अटायर में तैयार हुए हैं विद आवर रिच स्टार्स, सदरी एंड डाटू। क्यों महिमा? एब्सोल्युटली राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू लिव द फिलॉसफी व्हिच सेज व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जैसे कि आपने देखा हम बिल्कुल ट्रेडिशनली ड्रेस्ड अप है, हम यहाँ का लोकल कुजीन इन्जॉय कर रहे हैं, लोकल कल्चर इन्जॉय कर रहे हैं और इस वक्त भी हम घर के बहुत ही यूनिक से एरिया में बैठे हैं। एंड सो राइट नाउ वी आर ऑन द स्टेयर्स व्हिच लीड टू द एटिक एरिया ऑफ द हाउस। द एटिक इन पहाड़ी लैंग्वेज इज कॉल्ड धड़क। कहीं से तो देसी घी की खुशबू आ रही थी। We couldn't wait for our breakfast. क्योंकि दिन था हिमाचली कल्चर को एक्सपीरियंस करने का, तो हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्पेशल बना सिड्डूस के साथ। ठीक है खुशबू। वाओ, सो हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल सिड्डूस का ब्रेकफास्ट आ गया है और आज का दिन हम बिल्कुल ट्रेडिशनल पहाड़ी स्टाइल में जाने वाला है। बड़ी एक्साइटमेंट है। चलो महिमा, अभी हमारे सिर को खामो। ट्रू, कितनी कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज से हमेशा जुड़े रहें, हमेशा कनेक्टेड रहें, इज़न्ट इट? बिल्कुल, भाषा है तभी तो पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, डुबो डुबो के अपने हाथ घी में लथपथ करके। You have to
eat them. Good, Sanjay. What's up? Everything is good. How was your morning? It was just great. So freshies. Nice. Sidhus were amazing. Thank you. Did you enjoy it? Yeah, I loved it. Okay, great. So what's for the lunch? Why don't you find out? Let's see what's ready up in the garden here. Oh, really? Yeah. Are we going to go to the garden and get our vegetables? Yeah, so excited. You maybe can pick up a basket or two and see what you can pluck. And you can give it to the guy here and he can cook it for you. And the reason is that it allows for good drainage and less work every year, no tillage, because we don't want to till the soil as much and disturb the composition of the soil. As you might have noticed, there's a lot of diversity of vegetables. यहाँ पे हमने तरह तरह के लगा रखे हैं. वो क्यों? क्योंकि nature में आपके monoculture तो दिखता नहीं है. Nature basically means that you have a lot of diversity. So we try to mimic that. So we are following principles of permaculture. तो permaculture के according आप तरह तरह के vegetables साथ साथ लगाते हो. सब वेजिटेबल एक दूसरे से बेनिफिट करते किसी ना किसी से. Fresh lettuce or turnip plucking ke baad, time was for our favorite cherry picking. Fresh from the trees, it reminded us of our childhood days. Kaise bachpan mein masti was all about climbing trees and picking fresh fruits. Pahadon mein aaye aur pedon mein na chade. Aise bhi kya ho sakta hai? I think yahan ki sabse achhi baat pata kya hai Mahima? जैम्स और प्रिजर्व्स तो हम बाजार से भी ले सकते हैं, बट यहाँ की चेरीज का जो जैम है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तो है ही, पर साथ में यहाँ की सॉइल की बात कुछ और होती है. वी आर इन द हिमालयाज और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इट्स डायरेक्टली गोइंग टू योर टमी. लोब्लू एंड लोब्ली, मीट लोब्लू एंड लोब्ली. शाम को हमने कुछ पल फार्म एनिमल्स के साथ बिताए. वी वर लिविंग द हाइड ड्रीम्स ऑफ आवर लाइव्स. थैंक्स टू मीना बाग रत्नारी कि हम पहाड़ी कल्चर और लाइफस्टाइल को इस तरह जी पाए. डे 3 मॉर्निंग वॉज ऑल अबाउट योगा एंड अलाइनिंग योर बॉडी विद योर माइंड. हर एक स्ट्रेच के साथ मुझे अपनी बॉडी में एक नई ऊर्जा का फ्लो महसूस हुआ. हिमालयाज में योगा करने का अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि हिमालयाज ही योगा की कर्म भूमि रही है. यहाँ की हाई स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से इन ट्यून होके वी गॉट टू एक्सपीरियंस एन इनडिस्क्राइबेबल हाई. आज के ब्रेकफास्ट में थे पैनकेक्स और ऑर्गेनिक हनी विद द चेरीज दैट वी हैड प्लक्ड स्ट्रेट फ्रॉम द गार्डन, फ्रेश एंड विदाउट पेस्टिसाइड्स. पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसी जगहें बची होगी जहाँ आपको इस तरह का फूड एक्सपीरियंस मिलेगा. बड़ी मुस्कुराहटें और दिल में ग्रैटिट्यूड लिए, इट वॉज टाइम टू से गुड बाय. मीनाबाग होम्स का ये एक्सपीरियंस हुआ सो अनफॉरगेटेबल. यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, चेरी पिकिंग सेशंस, फार्म एनिमल्स को जानना और उनके साथ दोस्ती करना, पर्माकल्चर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में सीखना, संजय से नेटिव विजडम पाना, अपनी भाषा और संस्कृति को पहचानना, ऑथेंटिक कल्चर और क्यूजीन को एक्सपीरियंस करना, एक टिपिकल हिमाचली हेरिटेज होम में रहना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस था. मीनाबाग विल स्टे इन आवर हार्ट्स फॉर एवर.